रिसेंटली मैं कैल न्यूपोर्ट की बुक पढ़ रहा था, हाउ टू बिकम अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट और हाउ टू विन एट कॉलेज, और उसमें मैं एक रेवोल्यूशनरी स्टडी टिप ढूंढ रहा था ताकि वो आपको एग्जाम टाइप में हेल्प कर सके। तो फाइनली मुझे तीन स्टडी टिप्स मिली जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैल न्यूपोर्ट बोलते हैं कि अगर ये तीन स्ट्रेटजीज कोई स्टूडेंट अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके लिए बाकी सारी स्ट्रेटजीज यूजलेस हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको वो तीन स्टडी मेथड्स बताऊं, मैं आपके साथ एक स्टोरी डिस्कस करना चाहता हूं। रिसेंटली मैं टोनी रॉबिन्स की एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो बताते हैं कि एक बार वो अपने बच्चों के साथ गोल्फ सीखने गए। जैसे ही उन्होंने बॉल को हिट किया तो वो सामने वाले लेक में जाकर गिर गई। उन्होंने फिर से बॉल को हिट किया और वो दोबारा से लेक में जाकर गिर गई। उनके साथ अगली 5-6 बार ऐसा ही हुआ, वो बॉल को हिट करते और वो फिर दोबारा से लेक में जाकर गिर जाती। उन्होंने अपने इंस्ट्रक्टर को बुलाया और कहा कि ये तो बहुत ही डिफिकल्ट गेम है, मुझे तो इस गेम में एवरेज बनने में भी सालों लग जाएंगे। इस पर उनका इंस्ट्रक्टर हंसने लगा और उन्होंने कहा, नहीं, तुम सिर्फ 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर दूर हो एक बेस्ट प्लेयर बनने से। इस पर टोनी रॉबिन्स हैरान हो गए और उन्होंने कहा, आप ये क्या बोल रहे हो, ये गोल्फ बॉल हर बार अपने गोल से कम 50-60 मीटर दूर जा रही है और आप कह रहे हो कि मैं सिर्फ 1 या 2 मिलीमीटर दूर हूँ। इस पर उनके इंस्ट्रक्टर ने उन्हें समझाया और कहा, देखो, जब तुम एक्चुअल में बॉल को हिट करते हो तो अगर तुम सिर्फ 1 मिलीमीटर दूसरी डायरेक्शन में हिट करोगे तो वो बॉल लेग के बजाय ग्राउंड में हिट करेगी, और अगर तुम बॉल को 1 और मिलीमीटर दूसरी डायरेक्शन में हिट करोगे तो वो बॉल डायरेक्टली होल में जाएगी और तुम अच्छे प्लेयर बन जाओगे। यानी तुम्हारी प्रेजेंट लेवल और तुम्हारी सक्सेस के बीच में सिर्फ 2 मिलीमीटर का फासला है। इससे टोनी रॉबिन्स बहुत इम्प्रेस हो गए और उन्होंने सोचा कि ये कितना अच्छा बिलीफ सिस्टम है, और अगर लोग इस तरीके से सोचें तो बहुत सारे लोग जो अपने गोल में क्विट कर देते हैं वो उससे बच सकते हैं, और ये रियल लाइफ के बाकी केसेस में भी ट्रू है। एक बार टोनी रॉबिन्स अपने फ्रेंड के पास गए हुए थे जो कि एक प्लास्टिक सर्जन थे। वो प्लास्टिक सर्जन अपने काम में इतने अच्छे थे कि लोग उन्हें $1 मिलियन तक पे करते थे अपने फेस की सर्जरी करवाने के लिए, क्योंकि वो किसी भी बदसूरत इंसान को प्लास्टिक सर्जरी से बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते थे। जब टोनी रॉबिन्स अपने फ्रेंड के ऑफिस गए हुए थे तो उनके फ्रेंड अंदर ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी कर रहे थे, और इसीलिए टोनी रॉबिन्स रिसेप्शन एरिया में उनके लिए वेट करते हुए वहाँ पर पड़ी बुक पढ़ने लग गए। वो बुक उस सर्जन ने लिखी थी ताकि वो बाकी सर्जन को अपने प्लास्टिक सर्जरी के मेथड्स के बारे में बता सके। उस बुक में टोनी रॉबिन्स ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ा कि जो दुनिया की मोस्ट अट्रैक्टिव लेडीज हैं, उनके अपर लिप और नोज के बीच का डिफरेंस उनकी आई की मेजरमेंट के बराबर होता है। अगर किसी विमेन के फेस में ये डिफरेंस 1 मिलीमीटर तक का है तो उसका एक एवरेज फेस होगा, और अगर ये डिफरेंस 2 मिलीमीटर या उससे ज्यादा है तो वो लेडी दुनिया के नजरों में बहुत ही अनअट्रैक्टिव होगी। यानी एक बहुत ही अट्रैक्टिव लेडी और बहुत अनअट्रैक्टिव लेडी के बीच में सिर्फ 2 मिलीमीटर का डिफरेंस है, और ये प्लास्टिक सर्जन सिर्फ यही 1-2 मिलीमीटर के चेंजेस फेस में करता था और किसी को भी बहुत अट्रैक्टिव बना देता था, और इसीलिए वो अपने प्रोफेशन में बेस्ट था। अब सवाल ये आता है कि हमने ये स्टोरीज डिस्कस क्यों की। इन स्टोरीज को डिस्कस करने का पॉइंट ये है कि मोस्ट प्रोबेबली हमने स्टडीज की यूट्यूब में इतनी वीडियोस देखी हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि हमें कोई एक रेवोल्यूशनरी मेथड मिल जाए जिससे हम हमेशा मोटिवेटेड रहें, या हर चीज आसानी से समझ जाए, या इवन इस एक्सपेक्टेशन में कि सारा सिलेबस हम 1 आवर में ही खत्म कर दें। और टू बी ऑनेस्ट, ऐसा कोई मेथड एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमारे फेलियर्स और सक्सेस के बीच में बहुत ही छोटी हैबिट्स या मेथड्स का डिफरेंस होता है। कई बार हम इन मेथड्स को इतना सिंपल समझ लेते हैं या हम इन मेथड से इतने फैमिलियर हो जाते हैं कि हम ये रियलाइज ही नहीं करते कि हम इन मेथड्स को तो यूज कर ही नहीं रहे हैं, और बस एक नए रेवोल्यूशनरी मेथड की तलाश में रहते हैं और इसीलिए हमें कोई चेंज भी नहीं आता। तो इस वीडियो में हम उन स्मॉल चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम यूज कर सकते हैं अपनी स्टडीज की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। हम ये तीन मेथड्स कैल न्यूपोर्ट की बुक हाउ टू बिकम अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट के फर्स्ट पार्ट में से बताएंगे, और इन तीन स्टडी हैबिट्स में सबसे पहले टिप आती है, मैनेज योर टाइम इन 5 मिनट्स अ डे। कैल न्यूपोर्ट अपनी बुक में बोलते हैं कि जब तक हम सारी डेडलाइन, सारी असाइनमेंट, सारे टास्क, सारे गोल्स अपने माइंड में रखेंगे, और तब तक हम रिलैक्स नहीं कर सकते जब तक हम उन थॉट से डील नहीं कर लेते। इसीलिए कैल बोलते हैं कि सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट लगाकर एक बार अपने उस दिन के सारे काम को एक जगह पर लिख लीजिए। रिसर्च के अकॉर्डिंग जब तक हम अपने थॉट्स को डील नहीं कर लेते हैं तो वो थॉट हमें डिस्टर्ब करते रहेंगे। इसलिए जब हम किसी चीज को पेपर में लिख देते हैं तो हमारा ब्रेन एनर्जेटिक और बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। साथ ही हम अपनी प्रायोरिटीज सेट कर सकते हैं कि हमें सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर के कौन से आर्टिकल पढ़ने हैं, और फिर उसी चैप्टर के आर्टिकल से हमें स्टार्ट करना है जो टॉप प्रायोरिटी पर है।
क्योंकि ये सीक्वेंस ही हमें एक फेलियर या सक्सेसफुल स्टूडेंट बना सकता है। सेकेंड टिप कहती है कि डिक्लेयर वॉर ऑन प्रोक्रास्टिनेशन, यानी बस डिसाइड कर लो कि मैं अब चीजों को टालूंगा नहीं और उन्हें कंप्लीट करूंगा ही करूंगा। अब हमने ये बोल तो दिया, लेकिन हम इसे करेंगे कैसे? इसके लिए हमारे पास चार मेथड आते हैं। पहला मेथड कहता है कीप अ वर्क प्रोग्रेस जर्नल। याद करो वो लास्ट टाइम जब आपने किसी इंपॉर्टेंट चीज को टाला था, शायद कुछ ऐसा एक्सक्यूज दिया होगा आपके ब्रेन ने आपको, यार इस काम को करने के लिए तो अभी मेरे पास सारी चीजें ही नहीं है, लेकिन मैं इस काम को कल कर सकता हूँ क्योंकि कल तो मेरे पास इस काम को कंप्लीट करने के लिए सारा सामान होगा। या फिर हमने खुद से कुछ ऐसा बहाना मारा होगा, यार अभी लेट भी हो गया है और मैं थक भी गया हूँ, अगर अभी इस काम को करता हूँ तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा और टाइम ही वेस्ट होगा, इससे बेटर है कि मैं इसे कल सुबह स्टार्ट करूँ क्योंकि उस वक्त मैं एकदम फ्रेश भी हूँगा। मगर मेन बात ये है कि हम खुद से कभी ये एडमिट नहीं करते कि उस काम को हम टाल रहे हैं क्योंकि वो बोरिंग है और हम एकदम सुस्त हैं। कैल के अकॉर्डिंग इस चीज को ओवरकम करने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका है, और वो ये है कि हम सोने से पहले हर रात एक नोटबुक या ऐप में उन सब चीजों को प्रायोरिटी वाइज लिखें जो हम नेक्स्ट डे करना चाहते हैं। इसमें हमें सिर्फ एक मिनट लगेगा और थोड़े दिनों के बाद ये एक हैबिट में भी कन्वर्ट हो जाएगा, और ऐसा करने से हम अपनी प्रोग्रेस भी नोट कर सकते हैं। प्लस रिसर्च के अकॉर्डिंग सिर्फ किसी चीज को लिखने से हमारे उस टास्क को कंप्लीट करने के चांसेस कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी कहती है फीड द मशीन। आपने भी नोटिस किया होगा कि जब भी हमारे पास लो एनर्जी होती है तो हम उस वक्त हमेशा चीजों को टालते ही हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप बहुत थके हुए हैं, बहुत भूखे हैं, क्या उस वक्त आप फोकस होके कोई सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं? इसका सिंपल आंसर है कभी नहीं। और अगर आप जबरदस्ती वो सब्जेक्ट पढ़ते भी हैं तो भी आपको कुछ याद नहीं रहेगा। और कैल न्यूपोर्ट भी यही कहते हैं कि हमें खुद को एक मशीन समझना चाहिए और इसे हमेशा अच्छा फ्यूल देते रहना चाहिए। रिसर्च के मुताबिक जब हम लो एनर्जी स्टेट में होते हैं तो हमारी विल पावर ऑलमोस्ट जीरो होती है और हम चीजों को जरूर टालते हैं। अपने को हाई एनर्जी स्टेट में रखने के लिए हम तीन चीजें कर सकते हैं। पहला, हमें कोई भी मील स्किप नहीं करना है, चाहे फिर हमारा कितना भी बिजी दिन क्यों ना हो। ऑब्वियसली हमें ओवर ईटिंग भी नहीं करनी है। सेकंड, हमें अपने को हमेशा हाइड्रेटेड रखना है, यानी अपने पास पानी की बॉटल रखें और हर थोड़ी देर के बाद, प्रेफरेबली 45 मिनट्स के बाद पानी पीते रहें। थर्ड, खाने को एनर्जी के लिए खाएं, ना कि अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, यानी हमें ऐसी चीजें खानी है जो हमें दिन भर कॉन्स्टेंट एनर्जी दे, जैसे कि पीनट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या कोई भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स। अगर हम किसी ऐसी चीज को खाते हैं जिसमें शुगर की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो हमें थोड़ी देर के लिए हाई बर्स्ट ऑफ एनर्जी देगी और उसके बाद वो एनर्जी एकदम डिप्लीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और फिर हमें दोबारा से भूख लगने लगेगी। टालने वाली आदत को खत्म करने के लिए तीसरा तरीका कहता है मेक एन इवेंट आउट ऑफ वर्स्ट टास्क। हमें कई काम इतने ज्यादा बोरिंग लगते हैं कि अगर उन काम का थॉट हमारे दिमाग में भी आ जाए तो भी हमें डर लगने लगता है। किसी के लिए वो डरावना काम मैथमेटिक्स का कोई चैप्टर खत्म करना हो सकता है, किसी के लिए वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो सकती है। कैल अपनी बुक में बोलते हैं कि अगर हमें कोई भी काम बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है तो इस इशू को भी हैंडल किया जा सकता है, और वो है कि उसका एक बड़ा इवेंट बना दे। इवेंट बना दे? जी हाँ, मान लीजिए कि आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना पसंद नहीं है तो उसे पढ़ने के लिए हम कोई लाइब्रेरी ढूंढ सकते हैं जो हमारे घर से बहुत ज्यादा दूर है, या फिर कोई रेस्टोरेंट या इवन की कोई बुक स्टोर, ताकि अगर हम वहाँ पर एक बार पहुँच जाएं तो हम अपने घर में वापस जल्दी ना पहुँच सके। कैल बोलते हैं कि जब हम ऐसी जगह पर जाते हैं जो नई है और एकदम आइसोलेटेड है और साथ में हमारे घर से बहुत दूर है, तो ऐसी जगह पर हमारे पास उस सब्जेक्ट को पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं रहता, और एक बार जब हम उस बोरिंग सब्जेक्ट को स्टार्ट कर देते हैं तो एक मोमेंटम बन जाता है जिससे उस सब्जेक्ट की वजह से हमारा सारा डर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टिप कहती है कि चूज योर हार्ड डेज। कैल बोलते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में ऐसे दिन आते ही हैं जब हमारे पास बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं होता, हमें कुछ ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो हमें बोरिंग लगते हैं और जिन्हें हम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, और ऐसे केसेस में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला तो ये कि हम चीजों को टालते रहें जब तक कि एक्सट्रीम कंडीशन ना आ जाए और हमें ऐसे दिन जबरदस्ती गुजारने पड़े। दूसरा ऑप्शन है कि हम पहले से ही चूज कर लें कि हम इतनी मेहनत कौन से दिन करना चाहते हैं। मान लीजिए हम सैटरडे सेलेक्ट करते हैं तो हर सैटरडे हम अपने सेलफोन्स ऑफ करके पूरा दिन सिर्फ काम ही करेंगे, उस दिन हम अपने किसी भी फ्रेंड के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। तीसरी स्टडी स्ट्रेटजी हमारे तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों का जवाब देती है कि हम कब पढ़ें, कहां पढ़ें और कितनी देर तक पढ़ें। तो सबसे पहले आता है कब पढ़ें। कैल के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट टाइम पढ़ने का सुबह है क्योंकि उस वक्त हम सो के उठते हैं और एकदम फ्रेश होते हैं और उस वक्त हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता, तो हमें अपना मेजोरिटी काम डिनर से पहले ही खत्म कर लेना चाहिए। इवन अगर हमें दिन में क्लासेस के बीच में एक आवर फ्री मिलता है तो हमें उस वक्त अपना सेल फोन ऑफ करके उस टाइम को भी यूटिलाइज करना चाहिए। कैल के अकॉर्डिंग नाइट टाइम में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती, खासकर अगर हम अपने हॉस्टल में रहते हैं, क्योंकि उस वक्त सारे फ्रेंड्स जागे हुए होते हैं और हमसे सोशल होना चाहते हैं। वैसे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बहुत से स्टूडेंट्स नाइट टाइम में भी पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, इसलिए आप इस टिप को यूज करने से पहले खुद को भी एनालाइज कर लीजिए कि आपके लिए क्या काम कर रहा है। अगला सवाल आता है कि
कि कहाँ पढ़ें। इसमें कैल बोलते हैं कि जितनी अकेली जगह हो उतना बेटर है, और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी ये एकदम ठीक है। हमें ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पर हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, जहाँ हम अच्छी सेल्फ स्टडी कर सके। जगह जैसे कि ऐसी लाइब्रेरी जहाँ पे कम से कम स्टूडेंट्स आते हो, या एक बिल्कुल अकेला रूम, या अगर आप हॉस्टल में हैं तो अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि रूम में बाहर से ताला लगा दें, और फिर आप काफी टाइम तक आइसोलेशन में पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि कितनी देर तक पढ़ें। इसमें कैल बोलते हैं कि हमें हर एक आर के बाद ब्रेक ले लेनी चाहिए, और इनफैक्ट ये सवाल उन्होंने काफी टॉपर से भी पूछा था और सबने यही जवाब दिया कि वो एक से डेढ़ घंटे के बाद हमेशा 15-20 मिनट का ब्रेक ले लेते थे ताकि उनका माइंड फ्रेश हो जाए। उस वक्त हम वॉक कर सकते हैं, लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी करिए, बस स्टडी से थोड़ी देर के लिए दूर जाइए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए स्टडी से बाहर जाइए, ये नहीं कि फेसबुक में हम दोबारा से टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि सक्सेस और फेलियर के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस 4 या 5 छोटी हैबिट्स हैं जो हमें फेलियर या सक्सेसफुल बनाती हैं। अपनी स्टडी परफॉर्मेंस को हमने इम्प्रूव करने के लिए 3 टिप्स देखें, जिसमें सबसे पहले आता है मैनेज योर टाइम इन 5 मिनट्स अ डे, यानी सुबह सिर्फ 5 मिनट लगाकर अपने सारे टास्क एक जगह पर लिख लीजिए और उन्हें प्रायोरिटी वाइज सेट कर लीजिए कि सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट का कौन सा आर्टिकल पढ़ना है। ये सीक्वेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, इसीलिए हमें टास्क प्रायोरिटी वाइज ही कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट था कि हम डिसाइड करें कि हम अब प्रोक्रास्टिनेट नहीं करेंगे। इसके लिए हमने 4 मेथड्स देखे। पहला था कि कोई भी मील स्किप नहीं करना है, अगर हमारे पास कम एनर्जी है तो हम जल्दी क्विट कर देंगे। सेकंड था कि अगर कोई बहुत ही बोरिंग काम है तो उसे कंप्लीट करने के लिए नई जगह पर दूर चले जाएं, और एक बार आपने वो काम स्टार्ट कर दिया तो उससे रिलेटेड सारे डर वाले इमोशंस खत्म हो जाएंगे। थर्ड था कि चूज योर हार्ड डेज, यानी हमारी स्टूडेंट लाइफ में मुश्किल दिन आने ही आने हैं जब हमारे पास बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं होगा, और इससे पहले कि हमें वो समय जबरदस्ती गुजारना पड़े, हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम कौन से दिन बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे और उस दिन हमें अपने फ्रेंड्स के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं रखनी है। और फोर्थ था कि कीप अ वर्क जर्नल, यानी सिर्फ 1 मिनट लगा के रात को डिसाइड कर लीजिए कि आप अगले दिन क्या करना चाहते हैं और अपनी प्रोग्रेस हमेशा ट्रैक कीजिए। फाइनली हमने देखा था कि कब पढ़ें, कहां पढ़ें और कितनी देर तक पढ़ें। तो इसका आंसर है कि हम डिनर से पहले अपने दिन का मैक्सिमम टास्क खत्म करने की कोशिश करें। सेकंड, यानी सबसे आइसोलेटेड या बिल्कुल अलग जगह में पढ़ें जहां पर हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। और फाइनली था कि हर 1 से 1.5 घंटे के बाद 15 या 20 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। दोस्तों, इस बुक में और भी काफी इंटरेस्टिंग टिप्स दिए गए हैं,